हेलो स्टूडेंट, आप सभी का धर्मेंद्र टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े तो मैं आप लोग को अच्छा से अच्छा पढ़ाने का कोशिश करूं। और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करें ताकि मेरे को पता चले कि मेरे में कमी कहाँ पे है, उसको आप लोग कमेंट के द्वारा बताएं ताकि मैं उसको सुधारूं। क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो शुरुआत में गलतियाँ होती हैं, तो उस चीज़ को मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। तो आज मैं आप लोग को स्टील स्ट्रक्चर, जो कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर में SDD 2 के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आज मैं इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा हूँ। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आगे भी आप लोग को पढ़ाऊँगा। तो आज स्टील स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें आपको स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग को 2 बुक आती है, एक IS कोड IS 800/1984 और दूसरा स्टील टेबल। ये 2 बुक होना जरूरी है। ये 2 बुक के बिना स्टील स्ट्रक्चर को हम नहीं पढ़ सकते हैं। स्टील टेबल का तो बुक आती है और IS कोड को आप PDF के डाउनलोड करके और उसको इस टाइप से बनवा सकते हैं, स्पाइलर करके। ये देखिए, ये IS कोड है, IS 800/1984, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील। तो इस टाइप से आप इसको बनवा सकते हैं। तो मैं आप लोग को आगे बताता हूँ कि स्टील का मतलब एंगल या सेक्शन कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, उस चीज के बारे में। तो रोल्ड स्टील जॉइंट्स, रोल्ड स्टील जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है आई सेक्शन, दूसरा है एंगल सेक्शन, तीसरा है टी सेक्शन और चौथा है चैनल सेक्शन। तो आई सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो आई सेक्शन होता है ISMB, ISHB, ISWB, ISJB, ISLB। तो ये तो शॉर्ट नाम है, इसका फुल फॉर्म भी नाम आप लोग को पता रहना चाहिए। मैं शॉर्ट लिखा हूँ और फुल फॉर्म इसका आप लोग को बता रहा हूँ कि इसको क्या बोला जाता है। तो ISMB का होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, और ISHB का होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ISWB का है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, ISJB का होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ISLB का होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। तो इस प्रकार से हमारा आई सेक्शन है। अब आता है हमारा दूसरा एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन होता है इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल और बल्ब एंगल। एंगल सेक्शन 3 प्रकार का होता है, इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल और बल्ब एंगल। तो ये जो बल्ब एंगल है, ये बल्ब एंगल आप लोग को किसी भी कंपटीशन एग्जाम का अगर आप लोग तैयारी करेंगे भविष्य में, तो यहाँ से क्वेश्चन एक आती है कि बल्ब एंगल कहाँ यूज किया जाता है। तो बल्ब एंगल आपका यूज शिप बिल्डिंग में यूज किया जाता है। आगे आता है अपना टी सेक्शन। तो टी सेक्शन है अपना ISNT, ISJT, ISLT, ISMT, ISHT, ISST। तो ISNT का फुल फॉर्म होगा इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार, ISJT का होगा इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार, ISLT का होगा
इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार ISMT का होगा, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम टी बार और ISHT का होगा, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी बार और ISSST का होगा, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार। हम टी बार बोल सकते हैं या तो टी सेक्शन बोल सकते हैं, उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि टी ऊपर में लिखा हूं टी सेक्शन और लास्ट में बोल रहा हूं टी बार, तो उसको टी बार भी बोल सकते हैं या तो टी सेक्शन भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार अपना आता है चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन भी ISGC, ISJC, ISLC, ISMC, ISSC। तो ISGC का होता है इंडियन स्टैंडर्ड गेट चैनल, ISJC का होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, ISLC का होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, ISMC का होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, ISSC का होता है इंडियन स्टैंडर्ड ISSC का होता है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल इसका होता है। एग्जाम्पल है कि जो ISHB का तो फुल फॉर्म पता है आप लोग को, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। और इस प्रकार से आपको दिया रहेगा क्वेश्चन पे, तो ISHB 500 752 न्यूटन पर मीटर। तो इसमें जो 500 है वो टोटल डेप्थ आप सेक्शन को दर्शाता है और जो 752 न्यूटन पर मीटर है वह वेट आप सेक्शन को दर्शाता है, यानी अपना एक बीम है, इस टाइप का बीम है और ये मान लो 5 मीटर लेंथ है। तो जो डीप डेप्थ है जो यहां से यहां अपना डी है वो कितना है, वो 500 है। और जो 752 न्यूटन पर मीटर है वो कितने को दर्शा रहा है, ये 5 मीटर है, यानी एक भाग दो भाग तीन भाग चार, 1 2 3 4 5, यानी इसका इतना भाग का वजन कितना है, 752 न्यूटन पर मीटर। जैसे कि इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल जो है उसका साइज जो होता है मिनिमम साइज इक्वल एंगल का वो होता है 50 mm × 50 mm × 5 mm, और मैक्सिमम साइज होता है 200 mm × 200 mm × 22 mm। इसी प्रकार अनइक्वल एंगल सेक्शन का होता है 50 mm × 60 mm × 10 mm मिनिमम होता है, और मैक्सिमम होता है 200 mm × 150 mm × 20 mm मैक्सिमम साइज होता है। और जब हम दो एंगल को हम जब जोड़ेंगे कनेक्ट करेंगे तो हमें गैजेट प्लेट का यूज करना पड़ता है, जो कि ये अपना गैजेट प्लेट है और ये दो एंगल है, ये पहला एंगल और ये दूसरा एंगल। तो जब हम ये दोनों प्लेट को कनेक्ट करेंगे तो गैजेट प्लेट के यूज करना पड़ेगा हमको, और उसके साथ रिवेट का भी यूज करना पड़ेगा। तो जो गैजेट प्लेट की थिकनेस होती है वो कितना mm तक कम से कम यूज करना चाहिए, तो वी आर यूज द थिकनेस ऑफ गैजेट प्लेट इज लेस देन 6 mm, मतलब ये जो गैजेट प्लेट है उसका कम से कम थिकनेस कितना होना चाहिए, तो 6 mm होना चाहिए। और एंगल सेक्शन जो है, एंगल सेक्शन को हम एल सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस फॉर AP 250 रेफरेंस ऑफ IS कोड के अनुसार हम जब परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन जब लेंगे
तो अपना जो वैल्यू रहेगा वो 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहेगा, और जब परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन लेंगे तो भी 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टू 7.6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक रहेगा। डिपेंड किस पे करता है, तो एल अपान आर पे करता है। एल अपान आर क्या होता है, एल अपान आर अपना स्लेंडरनेस रेशियो होता है। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग जो होता है वो 165 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर तो वो 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। परमिसिबल स्ट्रेस इन बेयरिंग वो होता है अपना 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस का परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है, तो टेंशन के लिए जो रहेगा तो 0.6 सिग्मा टी, शियर शेयरिंग के लिए जब रहेगा तो 0.4 सिग्मा एस, बेयरिंग के लिए जब रहेगा तो 0.7 सिग्मा बी। सिग्मा टी परमिसिबल टेंशन, सिग्मा एस परमिसिबल शियर, सिग्मा बी परमिसिबल बेंडिंग बेयरिंग। कनेक्शन ऑफ मेंबर, रिवेट कनेक्शन, बोल्ट कनेक्शन और वेल्ड कनेक्शन, तीन प्रकार के कनेक्शन होते हैं जिसे हम पढ़ते हैं अपने स्टील स्ट्रक्चर में। तो रिवेट कनेक्शन रिवेट कनेक्शन आप लोग नोट कर सकते हैं। रिवेट कनेक्शन एक परमानेंट टाइप का कनेक्शन होता है, और रिवेट कनेक्शन में मेंबर को जोड़ने के लिए रिवेट का मिनिमम डाया के लिए यूनियंस फार्मूला यूज किया जाता है, जो कि वो फार्मूला अपना है यूनियंस फार्मूला D इज इक्वल टू में 6.04 अंडर रूट टी। जब एमएम में वैल्यू रहेगी तो यूज करना होगा एमएम में, तो अगर सेंटीमीटर में यूज करना होगा तो D इज इक्वल टू में 1.91 अंडर रूट टी सेंटीमीटर। और अपना जो रिवेट होता है, रिवेट अपना माइल्ड स्टील और हाई टेंसाइल स्टील से बनी होती है। रिवेट का डाया ऑफ संघ जो होता है वह डाया के बराबर होता है, और जो रिवेट है वह पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, हैंड ड्रिवन रिवेट, कोल्ड ड्रिवन रिवेट, हॉट ड्रिवन रिवेट, पांच प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। पहला कौन सा है, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, दूसरा पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, तीसरा हैंड ड्रिवन रिवेट, तीसरा कूल ड्रिवन रिवेट, तीसरा हॉट ड्रिवन रिवेट। यानी कि हम रिवेट को जिस प्रकार से अगर किसी प्लेट पे उसको डाला जाए उस प्रकार से उस रिवेट को क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि हॉट ड्रिवन रिवेट, तो हॉट ड्रिवन रिवेट को यानी कि जब हम रिवेट को गर्म करके किसी मेंबर पे उसको इंटर किया जाए उसे हॉट ड्रिवन रिवेट कहते हैं। तो पहला क्या है, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। तो पावर ड्रिवन शॉप रिवेट का परिभाषा आप लोग नोट कर सकते हैं, यदि रिवेटिंग किसी हाइड्रोलिक पावर यूनिट की सहायता से शॉप में की जा रही हो तो इस प्रकार के रिवेट पावर ड्रिवन शॉप रिवेट कहलाते हैं। उसी प्रकार पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, यदि रिवेटिंग किसी हाइड्रोलिक पावर यूनिट के द्वारा
फील्ड में की जा रही हो तो यह पावर ड्रिवन फील्ड रिवीट कहलाती है। हैंड ड्रिवन रिवीट यानी कि यदि रिवीटिंग बिना किसी हाइड्रोलिक पावर यूनिट के हैमर की सहायता से फील्ड में की जा रही हो तो इस प्रकार की रिवीटिंग हैंड ड्रिवन रिवीटिंग कहलाती है। और पावर ड्रिवन फील्ड रिवीट की स्ट्रेंथ पावर ड्रिवन शॉप रिवीट की स्ट्रेंथ की तुलना में 10% कम होती है। पावर ड्रिवन फील्ड रिवीट की स्ट्रेंथ के कंपेयर में 10% कम होती है। और जब विंड या अर्थक्विक प्रेशर कंसाइडर करते हैं हम, जहाँ पे विंड या अर्थक्विक जहाँ पे होता है, जब उसको हम अपने क्वेश्चन पे कंसाइडर करेंगे, उस स्थिति पे हमें पॉसिबल स्ट्रेस 25% तक इंक्रीज हो जाती है। और मैक्सिमम पर्मिसिबल स्ट्रेस जो होता है वो अपना उसका वैल्यू इस प्रकार से हमें याद करना है, या हमें अपना कॉलेज लाइफ में भी काम आएगा, प्लस अपना कंपटीशन एग्जाम जब आप तैयारी करिएगा तो भी काम आएगा। और यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन तय रहता है कंपटीशन एग्जाम में। तो मैक्सिमम पर्मिसिबल स्ट्रेस जो है वह टाइप्स ऑफ रिवीट, एक्सियल टेंशन स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बेयरिंग स्ट्रेस। तो पहला क्या होता है, पावर ड्रिवन शॉप रिवीट का मैक्सिमम पर्मिसिबल स्ट्रेस एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस के लिए 100 न्यूटन पर mm², शेयरिंग स्ट्रेस के लिए 100 न्यूटन पर mm² और बेयरिंग स्ट्रेस के लिए 300 न्यूटन पर mm² होता है। और दूसरा होता है पावर ड्रिवन फील्ड रिवीट के लिए 90 न्यूटन पर mm² और एक्सियल टेंशन स्ट्रेस के लिए और शेयरिंग स्ट्रेस के लिए 90 न्यूटन पर mm² और बेयरिंग स्ट्रेस के लिए 270 न्यूटन पर mm² होता है। इसी प्रकार हैंड ड्रिवन रिवीट का एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस 80 न्यूटन पर mm² और शेयरिंग स्ट्रेस 80 न्यूटन पर mm² और बेयरिंग स्ट्रेस 250 न्यूटन पर mm² होता है। और पुल ड्रिवन रिवीट का जो डाया होता है वह वेरी करता है अपना 12 mm to 22 mm और हार्ड ड्रिवन रिवीट का डाया वेरी करता है अपना 16 to 30 mm तक। पुल ड्रिवन रिवीट यदि रिवीटिंग रूम टेम्परेचर पर की जा रही हो तो यह पुल ड्रिवन रिवीटिंग कहलाता है। और जब हार्ड ड्रिवन रिवीटिंग यदि रिवीटिंग करते समय पहले रिवीट को हीट किया जाए तो यह विधि हॉट ड्रिवन रिवीट कहलाता है। और इसे वहां यूज किया जाता है हॉट ड्रिवन रिवीट को जहां पे हमें वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर बनाना हो, जहां पे लीकेज ना हो, वहां पे हम हॉट ड्रिवन रिवीट का यूज करते हैं। लेकिन कूल ड्रिवन रिवीट की अपेक्षा हॉट ड्रिवन रिवीट का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, क्योंकि जब हम रिवीट को गर्म करके जब उसको रिवीटिंग करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है, इसलिए हम उसका सभी स्ट्रक्चर में स्टील स्ट्रक्चर में हर जगह यूज नहीं करते हैं, वहीं उसको प्रीफर करते हैं जहां पे हमें वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर की जरूरत हो। थैंक यू फॉर स्टूडेंट, सभी को मेरा कैसा लगा, आज मेरा पहला लाइव है और मैं थोड़ा कैमरा के सामने आज से पहले नहीं आया हूँ, तो थोड़ा मेरे नर्वस फील कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये सब हट जाएगी और मैं अच्छा से अच्छा कोशिश करूँगा आप लोग को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी कोविड के वजह से लॉकडाउन में कहीं कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है। और आप लोग अगर पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, जैसे डिप्लोमा वाले हैं तो बी करना चाहते हैं, तो अगर आपको पता नहीं रहेगा इन सब चीज़ों का, या आप फील्ड में भी अगर वर्क करना चाहेंगे तो ये सब चीज़ों का पता नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत आती है, इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए मेरे को, मैं आप लोग को भी सपोर्ट करूँगा।